लंबे समय से एक बात सुनते आए कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होगा, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भरा था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली ग्रेजुएट किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती है। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। एजेंसी इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्म जोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपको आभार व्यक्त करता हूं। एजेंसी आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। ऐसे ही 2021 में ग्लासगो में मिले थे, और पहली ही मुलाकात में एक गहरी मित्रता का अनुभव हुआ, और तब आपने मुझे यूक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रह से निमंत्रण दिया था। लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसी विपरीत कालखंड में भी प्रगति हो रही है, और मैं कह सकता हूं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। एक्सीलेंसी, मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहां शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो युद्ध के कारण फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की, और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से, और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवार दोनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आप भी पहली बात जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय
हमने दो प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया है और उस भूमिका को निभाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। हमारी पहली भूमिका रही है मानवीय दृष्टिकोण की। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और दो कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आए हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आए हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एजेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है। और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, यहां से नहीं, पहले मैंने ग्लोबल साउथ की एक कॉन्फ्रेंस की, करीब 120 देश के लोगों को मैं उनकी तरफ से भी शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, आप भलीभांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भलीभांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भलीभांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समर्थन में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। एक्सेलेंसी, आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं तब मैं यूक्रेन की धरती पर, और आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देखकर आया और मेरा मन भरा हुआ है, तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूं पर नेशनल डे है, मैं चाहूंगा कि हम सब
जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखे। मेरी तरफ से शांति के हर प्रयास में सक्रिय योगदान की भूमिका के साथ आपके स्वागत सत्कार के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा।